Hello everyone, a very good morning to all of you. Kaise ho aaplo. I am Gulapsa, your mentor, and I welcome you once again to another very important session of finance that is the RBI 247. And in today's session, we will talk about a very small yet important article that was in the newspaper as well as on the SEBI website that talks about the disclosure requirement that SEBI has laid down for credit rating agencies. अब क्रेडिट क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के बारे में सबको पता होगा बट वाट आर द डिस्लोजर्स दैट सेबी वॉन्ट्स टू वॉन्ट्स टू इम्प्लीमेंट फॉर दीज एजेंसीज इसके बारे में जानेंगे उसके अलावा वी विल टॉक अबाउट परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स पी डी आईज क्या होते हैं वो समझेंगे अब क्रेडिट रेचिंग रेटिंग एजेंसीज के बारे में आप सबको पता होगा जस्ट अ वेरी ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग और बहुत छोटे में समझते हैं सो बेसिकली ट्राई टू एंड आइडेंटिफाई योर लेवल ऑफ योर लेवल ऑफ विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू रीपे ऑफ़ द लोन चाहे वो इंटरेस्ट हो या प्रिंसिपल हो तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ जितने भी इशूअर कंपनीज़ होती हैं जो बॉन्ड्स इशू करती हैं जो डिबेंचर्स इशू करती हैं इन कंपनीज को रेट करती है स्पेसिफिकली उनकी सिक्योरिटीज़ को रेट करती है सपोज इसने एक टेन परसेंट डिबेंचर लॉन्च किया या फिर इसने कोई फिफ्टीन परसेंट परपेचुअल डेट लॉन्च किया तो इन दोनों सिक्योरिटीज़ को रेट करेगी और बताएगी कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इश्योर कंपनी ऑफ रीपेंग बैक योर इंटरेस्ट अगर ये लॉन्च कर रहा है कोई डेट तो इसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और साथ के साथ उसको प्रिंसिपल भी पे करना पड़ेगा ऑन मचोरिटी तो ये पेमेंट ये करता है या नहीं करता वॉट दे थिंक बेस्ड ऑन द फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी कंपनी की फंडामेंटल्स को देख के उनके पो uh, पोजिशन को देख के उनके परफॉर्मेंस को देख के उनके ऑडिटेड बैलेंस शीट को देख के वो डिसाइड करते हैं कि वेदर दे आर गोइंग टू पे और नॉट तो ये बेसिक काम होता है हमारे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की अब देखते हैं कि क्या ऐसा डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है जो सेबी ने लॉन्च किया है इन सी के लिए सो फर्स्ट एंड फॉर्मस्ट लेट्स टॉक अबाउट दी एप्लीकेबिलिटी अब ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के लिए डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है दिस विल भी एप्प्लीकेबल ओनली टू दो दैट आर ईदर ऑलरेडी लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज और आर प्रपोज टू बी लिस्टेड ऑन आर स्टॉक एक्सचेंज तो इंडिया में जो हमारा रिकोगनाइज स्टॉक एक्सचेंज है दैट इज बी एस सी एंड एन एस सी अगर उस पर कोई एक सिक्योरिटी ऑलरेडी लिस्टेड है या लिस्ट होने वाली है उसी पे ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल होंगे ठीक है दूसरी चीज़ सेबी ने ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्यों लेकर आए सो इट इज़ बेसिकली टू प्रोवाइड द स्टेक होल्डर्स या फिर जो हम जैसे इन्वेस्टर्स हैं जो इन स्टॉक जो इन डिबेंचर्स इन बॉन्ड्स को इन्वेस्ट करते हैं एटलीस्ट हमारे पास ऐसा एक पैरामीटर हो जिसको देख के हम जज कर सकें वेदर वी शुड परचेज द बोन्स ऑफ दिस कंपनी और नॉट तो उसको समझने के लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हर सिक्योरिटी के लिए जो ऑलरेडी लिस्टेड है या लिस्ट होने वाली हैं उनकी एक रेटिंग रिलीज करती है ठीक है अब मेथडोलॉजी क्या है फॉर कॉम्पिटिशन ऑफ शार्प रेटिंग एक्शन तो इस जो सर्कुलर जिसमें सेबी ने यह बताया है कि डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स क्या होना चाहिए वहाँ पे सेबी ने एक मेथड बताया है फॉर कंपटीशन ऑफ शार्प रेटिंग एक्शन अब शार्प रेटिंग एक्शन क्या होता है इट इज़ बेसिकली अ फिनल जहाँ पे सपोज कोई सिक्योरिटी है ए बी सी सिक्योरिटी है ठीक है उसकी फर्स्ट मंथ में रेटिंग ट्रिपल ए थी फॉर एग्जाम्पल और अब जाके उसकी रेटिंग बी माइनस हो गई है तो आप ये देख सकते हो कि एक महीने के अंदर विद इन अ मंथ रेटिंग हैज डाउनग्रेटेड इन सो फास्ट राइट इसकी ग्रेटिंग इतनी जल्दी गिरी है तो इस जो ये डाउनग्रेड होती है इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम दैट इज नॉन एज शार्प रेटिंग एक्शन इसको क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज कैसे कैलकुलेट करेंगे तो इसके इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको एटलीस्ट दो क्रेडिट रेटिंग एक्शंस को देखने पड़ेंगे दो कॉन्जिक्यूटिव रेटिंग्स देखो फर्स्ट रेटिंग कितनी थी सेकेंड रेटिंग कितनी थी अगर ये जो डाउनग्रेड हो रहा है ये अगर तीन नॉच से या तीन डिग्री से अगर कम होता है देन यू कैन से दैट इट इज़ अ शार्प रेटिंग एक्शन जैसे यहाँ पे ट्रिपल ए है ट्रिपल ए के पास डबल ए आता फिर ए आता फिर बी मतलब तीन या उससे ज़्यादा है ये दैट मीन्स ये जो डाउनग्रेड हुआ है दैट मीन्स दैट सिक्योरिटी इज़ अ शार्प रेटिंग एक्शन इसका ये मतलब हुआ वो जो इश्योर कंपनी है उसके प्रोस्पेक्ट्स की वो आपके जो इंटरेस्ट हैं या फिर प्रिंसिपल पेमेंट है वो वापस कर देगा वो डाउटफुल हो जाता है तो अगर ये इंफॉर्मेशन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ अपने वेबसाइट पे डिस्क्लोज करेंगे दैन इन्वेस्टर्स लाइक यू एंड मी विल बी इन अ मच बेटर स्पेस टू अंडरस्टैंड एंड टू थिंक वेदर वन शुड इन्वेस्ट इन सच सिक्योरिटीज़ और नॉट ठीक है उसके अलावा सेबी ने यह भी गाइडलाइन में बताया है दैट दीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज नीड टू तो फाइंड आउट नीड टू तो आइडेंटिफाई कि नॉन कोऑपरेशन बाय इशूअर्स कौन कौन से हैं तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जहाँ पे जो इशूअर कंपनी है जो इन बॉन्ड्स को इशू करता है कई बार वो इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड नहीं करते दे डू नॉट प्रोवाइड यू विद द इन्फॉर्मेशन and therefore these credit rating agencies have very limited or no information in order to issue the credit for such agencies और ऐसे cases में usually ये होता है कि maybe false credit ratings issue हो जाए इन issuer के लिए तो now SEBI ने इस चीज़ को ये जो loophole थी इसको हटाने के लिए इसको खत्म करने के लिए सेबी ने ये बोला है द दीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज नीड टू आइडेंटिफाई कि ये कौन कौन से ऐसे इशूअर्स हैं दैट आर नॉन कोऑपरेटिंग इन प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर प्रोवाइडिंग द क्रेडिट रेटिंग्स अब ये कैसे होगा तो इसको सबसे पहले बोला जाएगा इशूअर्स नॉन कोऑपरेटिंग ये नॉन कोऑपरेट कैसे कर रहा है इट इज नॉट ट्राइंग टू प्रोवाइड सर्टन मटीरियल इंफॉर्मेशन टू दी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज अब ये इन्फॉर्मेशन क्या क्या हो सकती हैं देर कैन बी अ लॉन्ग लिस्ट बट उनमें से कुछ आइटम्स ये ये हैं फॉर एग्जाम्पल योर फाइनेंशियल रिजल्ट योर परफॉर्मेंस आपकी बैलेंस शीट आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपके ऑपरेशनल डिटेल्स आपने कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर किया आपके डेट ऑब्लिगेशन कितने हैं आपने कितना लोन बैंक से लिया है कितना आपने ऑलरेडी बाई वे ऑफ बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स ऑलरेडी इशू कर दिया है ऑल ऑफ दीज डिटेल्स अपार्ट फ्रॉम दैट एनी अदर डिटेल्स दैट द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी थिंग्स इज ऑफ इम्पॉर्टेंस इन डिटरमाइनिंग द क्रेडिट रेटिंग ऑफ सच इशूअर कंपनी तो ये आपका हो जाता है मटीरियल इंफॉर्मेशन विच दीज इशूअर्स आर रिक्वायर्ड टू शेयर विद द क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज बट कई बार क्या होता है वो आपको शेयर नहीं कर रहे होते आपको इन्हें आइडेंटिफाई करना है आप ये आइडेंटिफाई कैसे करोगे आप सैबी ने एक फुल प्रूफ प्लान लेकर आया है वॉट इज द प्लान तो द प्लान इज कि सेबी ने सिंपल एक क्राइटेरिया रख दिया वॉट इज द क्राइटेरिया अगर तीन कन्जिक्यूटिव महीने तक इफ फॉर द थ्री कन्जिक्यूटिव मंथ्स दीज इश्योअर कंपनीज आर नॉट प्रोवाइडिंग यू विथ द नॉन डिफॉल्ट स्टेटमेंट अगर वो आपको ये स्टेटमेंट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं डिफॉल्ट कर रहे हैं इस स्टेटमेंट को सबमिट करने के लिए देन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ़ दीज थ्री मंथ्स आप विद इन वन वीक दैट इज विद इन सेवन डेज इनको आइडेंटिफाई कर सकते हो और इनको आप प्लेस कर सकते हो इशूज नॉन कोऑपरेटिंग में या इशूज देर आर नॉन कोऑपरेटिंग विद द वर्क ऑफ द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी सिंपल है तीन महीने तक अगर कोई भी इशूअर डज नाट सबमिट द एन डी स्टेटमेंट एन डी एस क्या होता है नो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट नो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट का ये मतलब होता है कि आप डिफॉल्ट नहीं कर रहे इन फैसिलिटीज इन इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए ठीक है बट ऐसा नहीं है अगर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को लगता है इफ इफ इन इन इट्स ऑन जस्टिफिकेशन इट फील्स कि ये तो कोऑपरेट नहीं करेगा एक्स वाई जी इशवर इज़ नॉट गोइंग टू कोऑपरेट वॉट एवर मे बी द केस इन दैट केस ये तीन महीने वेट करने की भी जरूरत नहीं है यू डिन नॉट वेट फॉर दोज थ्री मंथ्स यू कैन डिरेक्टली आइडेंटिफाई और टैग दैट इशूअर एज एन आई एन सी ठीक है सिंपल अब है विड्रोवल की सपोज आपने किसी इशूअर को दैट इज एक्स वाई जी को ट्रिपल ए की रेटिंग दी थी अब उसको आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि वो एक आई एन सी है बिकॉज उसने एन डी ए सबमिट नहीं किया नॉन डिफॉल्ट स्टेटमेंट सबमिट नहीं किया अब जब भी आप इसकी रेटिंग को विड्रॉ करोगे जो ट्रिपल ए की रेटिंग आपने पहले दी थी इसको हटाओगे उसको हटाने के लिए आपको इन्हें एक नई रेटिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी विल हैव टू असाइन अ न्यू रेटिंग टू दिस सिक्योरिटीज ईश्योर को नहीं उस सिक्योरिटी को ये ध्यान रखना जो भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं ये की कैपेबिलिटी को उनकी अबिलिटी को एसेस करती है कि वेदर उस सिक्योरिटी के कंटेक्स में रीपेमेंट करेगी कि नहीं करेगी वो एजेंसी तो बेसिकली वो सिक्योरिटी को एसेस कर रहे होते हैं ठीक है तो इस केस में

इसकी रीटिंग को आप कैसे विड्रॉ कर सकते हो सबसे पहले समझते हैं कि परपेचुअल डेट सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं नाम से ही क्लियर है दीज आर परपेचुअल इन नेचर मतलब इसको आप कभी रिडीम नहीं कर सकते या फिर ऐसा बोल सकते हैं परपेचुअल का मतलब ये होता है दैट दीज सिक्योरिटीज़ नो मचॉरिटी डेट इनकी कोई मेचोरिटी नहीं होती और इसीलिए कई बार इनको हम एज इक्विटी भी ट्रीट करते हैं और कई बार बैंक्स पर्पेचुअल बैंक्स ऑफ अदर और अदर इशूर कंपनीज क्या करते हैं इसको इशू करते हैं फॉर मीटिंग ऑफ द बेजल सो बेजल के अंदर आपको कैपिटल कैपिटल होते हैं रिस्क वेटेड एसेट्स के अकॉर्डिंग आपको वो मीट करना होता है डेट इज़ द कैपिटल एडुकेश रेशियो उसको मीट करने के लिए कई बार कंपनीज पर्पेचुअल डेट सिक्योरिटीज इशू कर देते हैं बिकॉज वॉट इज एडवांटेज फर्स्ट आपको बस इंटरेस्ट पे करना पड़ता है एंड सेकेंड प्रिंसिपल अमाउंट पे करने की जरूरत नहीं होती और इस पे, इस पे जो इंटरेस्ट पे होती है वो परपेचुअली हो रही होती है ठीक है अब परपेचुअल डेट सिक्योरिटीज आपको समझ आ गई अब करंट रेगुलेशन क्या है अकॉर्डिंग टू द करंट रेगुलेशन इनके ऊपर कोई भी क्रेडिट रेटिंग होती है सपोज़ एक परपेचुअल डेट सिक्योरिटी या इंस्ट्रूमेंट्स लॉन्च किया गया और इसकी रेटिंग हमने डबल ए दे दी ठीक है टिल द टाइम द सिक्योरिटी इज़ नॉट रिडीम फॉर एग्जाम्पल कुछ बीस पच्चीस तीस साल बाद अगर कंपनी खुद सपोज़ कंपनी चाह रही है कि अब मैं इंटरेस्ट नहीं पे करूँगी मैं इसको रिडीम कर देती हूँ इन दैट केस ये जो रेटिंग है ये तब तक आप चेंज नहीं कर सकते जब तक वो रिडीम नहीं हो जाती अब रिडीम होने को ये 20 साल में हो जाए 30 साल में हो जाए 50 साल में हो जाए या 5 साल में हो जाए तो ये इसकी लूप होल है तो करंट रेगुलेशन के अकॉर्डिंग कई बार जो इशूवर्स थे वो निगलेक्ट करते थे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के रिक्वेस्ट को और ये इंफॉर्मेशन उनको सबमिट नहीं करते थे सो बेसिकली देवेर नॉट नॉट कोऑपरेटिंग विद द क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इसको ख़त्म करने के लिए सेबी ने कुछ प्रपोजल लाए हैं जहाँ पे सेबी ने यह बोला है कि ये जो विड्रोवल नॉर्म्स हैं कि जब तक रिडीम नहीं कर सकते तब तक आप रेटिंग चेंज नहीं कर सकते इसको हटाने के लिए नाउ व्हाट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कैन डू इज इफ़ द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैज़ कंटिन्यूसली रेटेड दिस सिक्योरिटी फॉर फाइव ईयर्स या फिर अगर उसको इंफॉर्मेशन मिल जाए अंडरटेकिंग मिल जाए फ्रॉम द इश्यर और एनी अदर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इसके लिए रेटिंग अवेलेबल है इन बोथ दीज केसेस द रेटिंग कुड बी चेंज इवन बिफोर द सिक्योरिटी इज़ रिडीम्ड सिंपल सा है आई होप आपको समझ आ गया होगा बेसिक न्यूज़ है पपेचुअल डेट सिक्योरिटीज़ के केस में आज तक ये होता था कि उनकी जो क्रेडिट रेटिंग थी आप उसको हटा नहीं सकते थे जब तक वो रिडीम नहीं होती थी इसका फ़ायदा उठाती थी कंपनीज अब उसको ख़त्म करने के लिए सेबी ने प्रपोजल लाई है कि अगर आप पाँच साल से किसी सिक्योरिटी को रेट कर रहे हो और वो एक पर्पेचुअल डेट सिक्योरिटी है और ऐसी है कि ऐसी है कि उस पर आपको उसके जो इशूर्स हैं वो नॉट वो कॉपरेट नहीं कर रहे तो आप उसकी रेटिंग को विड्रॉ कर सकते हो सिंपल मैंने रिपीट किया सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अदर डिस्कलोजर्स व्हाट आर द इनहस डिस्कलोजर्स बाय द क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज तो बेसिकली सेबी चाहती है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं या फिर इन्वेस्टर्स हैं उनको एक ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड किया जाए प्लस जो भी रेटिंग्स ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी प्रोवाइड करती हैं इन इश्योर कंपनी के सिक्योरिटीज़ को वो कुछ यूटिलिटी के हो इन in, इन्वेस्टर्स uh, के लिए देफो सेबी ने ये मैंडेट किया है कि जितने भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं रजिस्टर्ड विद सेबी इन इंडिया शुड डिस्क्लोज द क्रेडिट रेटिंग्स इन अ वेरी रीडेबल फॉर्मेट, एक्सेल फॉर्मेट में होना चाहिए या फिर मशीन रीडेबल फॉर्मेट में होना चाहिए स्प्रेडशीट फॉर्म में होना चाहिए सेकेंडली दीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ शुड मेंटेन एन आर्काइव ऑफ द डिस्क्लोजर्स फॉर एटलीस्ट टेन ईयर्स जो भी डेटा वो डिस्क्लोजर डेटा प्रोवाइड करती है अपने वेबसाइट पर उसको एटलीस्ट टेन ईयर्स तक प्रिजर्व करने को कहा जा रहा है सो दैट इन्वेस्टर्स कैन अंडरस्टैंड एंड स्टडी द लॉन्ग टर्म ट्रेंड ऑफ दिस सिक्योरिटी कोई भी सिक्योरिटी उसकी लॉन्ग टर्म स्टडी या एनालिसिस कर सके सो दिस वॉज द न्यूज़ वेरी स्मॉल बट थोड़ा टिपिकल था आई होप आपको समझ आ गया होगा ना बेस्ड ऑन दैट दो क्वेश्चन हैं वेरी ईजी और यह आपको आंसर करने हैं कमेंट सेक्शन में सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन द रीसेंट डायरेक्टिव इशूडे बी Credit rating agencies are required to disclose a sharp rating action if the rating change between two consecutive rating actions is more or equal to dash notches और यहाँ आपको बताना है ये अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा बेसिकली ये बात कर रहा है कब आप ये डिस्क्लोज कर सकते हो कि कोई भी रेटिंग जो आपने दी थी वो एक शार्प रेटिंग एक्शन है मतलब बहुत जल्दी वो डाउनग्रेड कर गई हो तो इसका आंसर आपको प्रोवाइड करना है द सेकेंड क्वेश्चन सी इज फॉर हाउ लॉन्ग शुड सी आर एस प्रैक्टिस द नॉन सबमिशन ऑफ नो डिफॉल्ट स्टेटमेंट एज अ क्राइटेरिया टू टैग अ रेटिंग एज इशूअर नॉन कोऑपरेटिंग तब आप किसी इशूअर को ये टैग कर सकते हो कि वो कोऑपरेट नहीं कर रहा है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से तो वॉट इज दैट क्राइटेरिया फॉर हाउ लॉन्ग यू नीड टू सी और सी और एग्जामिन की वो कब तक वो सबमिट नहीं करता नॉन डिफॉल्ट स्टेटमेंट को इसका आंसर आपको देना है वेरी इजी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे आई होप यू लाइक द सेशन इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन ऑलवेज राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन आई एम देयर टू हेल्प यू ठीक है एंड कीप लर्निंग टिल देन बाय बाय टेक केयर